उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है जो सिर्फ आपसे होता है, पर हम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटका हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेले पद से मोहब्बत हो गई। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते हैं। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाव। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। जिसने नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसा ही दिखेगी। याद रखना, कुछ लोग हमें उनके मतलब के लिए याद रखते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। खुद की कमजोरी पर नहीं, काबिलियत पर ध्यान देना जरूरी है। सुना है काफी पढ़ लिख गए हो तुम, कभी वो भी पढ़ो जो हम कह नहीं पाते। कमजोर होते हैं वो लोग जो सिग्मा करते हैं, उगने वाले पत्थर का सीना चीर के भी उग जाते। प्यार की कदर तुम्हें तब होगी जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे ही सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे। आज के युग में आमिर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका अपना वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जीत हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानती वो आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। ये भी खासियत है मुझमें कि मैं किसी का खास नहीं, उत्तम से सर्वोत्तम बस वही हुआ जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। साखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं। हम आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे, जो माँ बाप की ज्यादा लाडले होते हैं अक्सर जिंदगी उनसे कठिन इम्तिहान लेती है। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर रहना। लोग हवाओं को भी भेज देते हैं गुब्बारों में डालकर, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी है, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए रोए नहीं हैं हम, रुलाए गए नफरत की एक बात बहुत अच्छी है, ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इससे थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर, समंदर में उतर लेकिन उभरने की भी सोच, डूबने से पहले गहराई का अंदाजा लगा। मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर के तलाश कर। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती, जरा सी भी खरोच, कभी जरा सी बात पर इंसान बिखर जाता है। एक बार की बात है,
एक कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए कहीं जा रहा था। बीच में एक नाला पड़ता था। इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी और पानी भी कम ही था। कुत्ता जब पानी में से होकर निकलने लगा तो पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। कुत्ते ने सोचा, पानी में कोई दूसरा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, अगर मैं इसकी रोटी भी छीन तो मेरे पास ज्यादा रोटियां हो जाएगी और मेरा दिन आराम से निकल जाएगा। कुत्ते ने जैसे ही परछाई वाले कुत्ते को डराकर उसकी रोटी छीनने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह की रोटी भी पानी में गिर गई। कुत्ते को लालच के कारण अपनी खुद की रोटी से भी हाथ धोना पड़ा और कुत्ते को वापस अब खाली हाथ लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, आपके पास जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज्यादा कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। खूब कमाई करो, लेकिन जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। ऐसा नहीं कि कमा तो लिया है लेकिन इस बात से दुखी हैं कि और ज्यादा भी कमा सकते थे। ऐसा लालच करने से जो है उसका सुख भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।